हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले कई सारे वीडियोज में हमने ये सीखा है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है और उसका इमेज कब बनता है ना। ऑब्जेक्ट दिखने के लिए ज़रूरी ये होता है कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकले और हमारी आँख तक पहुँचे। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज दिखने के लिए क्या ज़रूरी है ना, और इमेज बनने के लिए क्या ज़रूरी है। इमेज बनने के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकले और किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर गिरे, इंसिडेंट हो, जिससे कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। जब लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो उसका इमेज बनता है, ठीक है। और वो डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो लाइट अगर हमारी आँख के पास आता है तो हमें वो इमेज दिखता है, ठीक। आज हम लोग सीखेंगे कि इमेज देखने के लिए हमें किस पोजिशन पर खड़ा होना चाहिए, हमारी आँखें जो है वो किस रीजन में होना चाहिए। उस रीजन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो आज हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। फील्ड ऑफ व्यू का जो बेसिक डेफिनेशन होता है, पहले मैं उसको लिखता हूँ, है ना। ये है, इट इज अ रीजन इन विच observer's eyes should be present to view the image, to view the image, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो जो रीजन है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे उस मिरर पर इंसिडेंट कराएं, है ना। और वो इंसिडेंट रे जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर इंसिडेंट होनी चाहिए। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो यहाँ से मैं लाइट इस मिरर के दो दो एंड हैं उन पर इंसिडेंट कराऊंगा, ठीक। तो जैसे कि एक लाइट रे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, और रिफ्लेक्ट किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हमें खास ध्यान रखना होता है। ये कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, है ना। इसमें ध्यान रखना है कि अगर ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब ये हो गया पहला लाइट रे, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ इस एंड पर और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर गया, ठीक। अब दूसरा लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं, दूसरा लाइट रे जो है वो दूसरे एक्सट्रीम एंड पर जो है यहाँ पर इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा लाइट रे, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। अगर ये इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, और ये जो रिफ्लेक्ट होगा तो इसमें भी हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, हमें ध्यान रखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये होगा कुछ इस तरीके से, ये लाइन जो है थोड़ी इधर उधर हो जा रही है, हाँ। ये है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ऐसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ठीक। तो ये जो दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और एक
दूसरा वाला लाइट रे ये है ना, ये पहला था ये दूसरा है। तो जो दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं उनके बीच में जो इनक्लोज्ड रीजन है, एक्चुअली में इसी को कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू। अगर इस रीजन के अंदर ऑब्जर्वर के आइज होंगे तो पक्का इमेज जो है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये जो रीजन मैंने ड्रॉ किया है, अभी शेडिंग किया है, इसको कहा जाता है फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो फील्ड ऑफ व्यू लोकेट कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए जो मैंने अभी मेथड अप्लाई किया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके लिए क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इट इज रीजन इनक्लोज बिटवीन टू एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट था, है ना, ये ऑब्जेक्ट था, वहां से दो लाइट रे इंसिडेंट कराए, मिरर के एक एंड पर ये आया और दूसरे एंड पर ये आया, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्ट हुई, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है। तो जो दो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है और ये है, इनके बीच का जो रीजन है वो फील्ड ऑफ व्यू होता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि अगर इसमें ऑब्जर्वर के आईज प्रेजेंट होंगे तो किस तरह से इसमें इमेज जो है वो दिखेगा, है ना। तो वो देखते हैं कैसे दिखता है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बने, इसका इमेज जो है वो कहीं यहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर ऐसे एक्सटेंड करके हम लोग मिला सकते हैं। तो ये तो हो गया, एक्सट्रीम वाले रिफ्लेक्टेड लाइट रे जाकर यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए ये इमेज है, ठीक। इनफैक्ट कोई भी लाइट रे हो, जैसे सपोज यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर के आईज हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं ब्लैक के जगह पर व्हाइट आईज बना रहा हूँ, है ना, एक्चुअली मैं ब्लैक होना चाहिए था। तो आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से कोई ना कोई लाइट रे ऐसा होगा जो रिफ्लेक्शन के बाद इस आंख तक पहुँचेगा, है ना। मैं वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत सारे लाइट रेज हैं जो हो सकता है कि आँख के पास से नहीं जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाएंगे, है ना। जैसे ये लाइट रे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जो रिफ्लेक्शन के बाद आइज तक जाएंगे, है ना। तो ये लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से आया, मिरर पर इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद आंख तक जा रहा है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लाइट रेज हैं, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस रीजन में कहीं भी ऑब्जर्वर के आईज प्रेजेंट होंगे तो कोई ना कोई लाइट रे ऐसा होगा जो कि आंख के पास जाएगा, और आंख के पास जाएगा तो उसको इमेज दिखेगा। कैसे, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो लगेगा कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, इस इमेज के पास से आ रहा है, इसलिए उसको इमेज ये वाला दिखेगा। लेकिन बाय चांस अगर कोई ऑब्जर्वर के आईज इस फील्ड से बाहर हो फिर क्या दिक्कत हो जाएगा, वो देखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं एक लाइट रे ड्रॉ करता हूँ, है ना, ऐसे, मतलब ऐसा लाइट रे जो इस आँख के पास पहुंचना चाहिए वो कहाँ से आएगा, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान रखेंगे तो उस हिसाब से ये जो लाइट रे है ये ऑब्जेक्ट के पास से नहीं आना चाहिए, पर कहीं पहले से इधर से आ रहा होगा, ये ऐसे इधर से आ रहा होगा तभी, है ना, क्योंकि
यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान रखेंगे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। ये जो आ रहा था ऑब्जेक्ट से, ये जो पहला लाइट इंसिडेंट कराया था उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था, है ना, और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। तो जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा, तो वो तो इधर चले जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर की आई तो यहाँ पर है, तो लाइट रे यहाँ जाना है, तो इंसिडेंट लाइट कहीं ऐसे आना चाहिए। तो ये लाइट रे चूंकि ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से नहीं आ रहा है, इसलिए जो है अब जो है इसको इमेज, है ना, इसलिए नहीं देखेगा कि ये देखेंगे आप कि इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इमेज के पास नहीं जाएगा, कहीं इधर से जा चले जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर के आईज वो इस रीजन में होने चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू में होने चाहिए, तब कोई ना कोई लाइट ऑब्जेक्ट से निकल करके जो है आईज तक पहुंचेंगी, तो इमेज दिखेगा। इस फील्ड ऑफ व्यू के बाहर रहने से क्या होगा कि कोई भी लाइट रे ऐसी नहीं मिलेगी जो ऑब्जेक्ट से निकल करके जो है ऑब्जर्वर के आईज तक पहुंचे, है ना। और जैसे मैंने बताया कि इमेज दिखने के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद ऑब्जर्वर के आंख तक जाना जरूरी। तो इस केस में कोई भी लाइट रे, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम वाले तो यहाँ जा नहीं रहे, तो बीच वाले तो और भी नहीं जाएंगे ना उधर, इधर जाएंगे नहीं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट से निकलने वाला कोई भी लाइट रे इस यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए इसको इमेज नहीं देखेगा। जबकि अगर इस रीजन के अंदर ऑब्जर्वर की आई प्रेजेंट है तो कोई ना कोई लाइट रे जरूर होगा जो ऑब्जर्वर के आई तक जाएगा, ऑब्जेक्ट से निकलने वाला, और इसलिए उसको इमेज जो है वो यहाँ पर। तो ये होता है फील्ड ऑफ